जसप्रीत बुमराह ने मैच के बाद अपने गुरु लसित मलिंगा को कुछ इस अंदाज में गले लगाकर कहा अलविदा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच इस वर्ल्ड कप के खेले गए आखिरी मुकाबले के बारे में, जिसमें लसित मलिंगा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। जब जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा मैच के आखिरी समय पर फील्ड पर मिले तो दोनों के दोनों भावुक हो गए। लेकिन दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले अगर आप क्रिकेट के अंदर के खबरों से पल भर में अपडेट रहना चाहते हैं, लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कीजिए चैनल आरएस न्यूज को। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का 44वां मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट मैदान पर खेला गया। वहीं इस मैच में भारत ने श्रीलंका को आसानी से 7 विकेट से हरा दिया। लेकिन दोस्तों ऐसे में जब भारत के खिलाफ मैच खत्म हुआ तो मलिंगा सभी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे। ऐसे में जब मलिंगा जसप्रीत बुमराह के पास पहुंचे थे, बुमराह ने बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ मलिंगा से मिले, जिन्हें आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, मलिंगा को अपना गुरु वाले जसप्रीत बुमराह ने उनसे हाथ तो मिलाया ही, बल्कि पूरे दिल से खुशी के साथ उन्हें गले भी लगाया, जहां लसित मलिंगा ऐसे मौके पर काफी भावुक हो गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लसित मलिंगा ने शनिवार को भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मैच खेला, लेकिन भारत के खिलाफ इस मैच में लसित मलिंगा अपनी गेंदबाजी से कोई खास कमाल नहीं कर पाए। दोस्तों भले ही लसित मलिंगा अपने आखिरी वनडे मैच में कोई कमाल नहीं कर पाए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका की ओर से सबसे सफल गेंदबाज भी वही बने। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 में लसित मलिंगा ने 7 मैचों में 13 विकेट लेने में सफल रहे। दोस्तों हम आपको बता दें कि दुनिया का हर क्रिकेटर और उसके फैंस ये जरूर जानते हैं, श्रीलंका के आज तक के क्रिकेट के इतिहास में लसित मलिंगा जैसा बॉलर दुनिया में बहुत ही कमी पाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा के इस भावुक दोस्ती के अंदाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप लोग लसित मलिंगा के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। वही इसी तरह की क्रिकेट के अंदर के खबरों से पल भर में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल आरएस न्यूज को। वहीं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरह की जरूरी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।